अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अपने रिसर्च प्रपोजल्स के अंदर या अपने रिसर्च थीसिस के अंदर हम कैसे जो रेफरेंसेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग द वर्ड फाइल, एमएस वर्ड फाइल को इस्तेमाल करते हुए रेफरेंसेस जो है सॉरी उनको कैसे जो है ना वो ऐड किया जा सकता है। तो लुक एट इट, यहाँ पे हमारे पास वर्ड की फाइल ओपन है, एक ब्लैंक पेज है मेरे पास, और यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट हमें आइकॉन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस पे जो है ना वो क्लिक किया है। तो यहाँ रेफरेंसेस पे अगर आप देखें तो ये नीचे आपको स्टाइल सबसे पहले जो है ना वो दिया हुआ है। तो यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल्स जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपकी यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है रेफरेंसेस के लिए, लाइक एपीए स्टाइल है, शिकागो है, इसी तरह से एमएलए है, या डिफरेंट जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी यूनिवर्सिटी की, वो आप यहाँ से जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज एपीए स्टाइल को फॉलो करती हैं, तो लिहाजा हम एपीए स्टाइल जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें, आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा इंसर्ट साइटेशन का, तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो दो ऑप्शंस आपके पास होंगी, ऐड न्यू सोर्स और ऐड न्यू प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू सोर्स पे जो है ना वो क्लिक करते हैं। तो जब हम ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें डिफरेंट फील्ड्स होंगी जिनको हमने फिल करना है। तो इसमें टॉप पे अगर आप देखें तो टाइप ऑफ सोर्स है, यानी जो सोर्स आप मेंशन जो है ना वो करने जा रहे हैं अपने रिसर्च आर्टिकल के अंदर, वो आपने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, वो किसी बुक का पार्ट है, वो कोई बुक का सेक्शन है, कोई जर्नल का आर्टिकल है, या पीरियोडिकल का जो है ना वो आर्टिकल है, कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं, कोई रिपोर्ट है, या आपने वेबसाइट से उसको लिया है, कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आपने वर्ड साइट से जो है ना वो ली है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सोर्स हो सकता है, आर्ट हो सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग हो सकती है, परफॉर्मेंस है, ये डिफरेंट आपके पास जो है ना वो ऑप्शंस होती हैं। तो जो भी सोर्स आप इस्तेमाल करते हैं वो जहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है, जहाँ से आपने रिट्रीव किया हुआ होता है, वो आपने जो है ना वो बताना होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम जर्नल का आर्टिकल जो है ना वही देखना चाह रहे हैं कि कोई आर्टिकल आपने किसी जर्नल से डाउनलोड किया है तो उसको कैसे हम जो है ना वो साइट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहली जो फील्ड आती है जिसको हमें लाजमी तौर पे फिल करना होता है, दैट इज ऑथर्स इंफॉर्मेशन। तो ऑथर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आर्टिकल है, उसके ऑथर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें पहला ऑथर जो है ना वो अख्तर है, फिर उसके बाद फैजान नूर, और फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास अस्मीना अख्तर। मैं अस्मीना अख्तर जो है उनका नाम जो है ना वो लिख देता हूँ, सॉरी ये अख्तर का ए जो है ना ये कैपिटल आएगा क्योंकि नेम है। तो लुक एट इट, ये तीन हमारे पास राइटर्स हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आएगी टाइटल ऑफ द आर्टिकल, के आर्टिकल जो है उसका टाइटल क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये है फैक्टर्स, सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ये हमारे पास जो है ना वो सॉरी मार्केटिंग, ये हमारे पास जो है ना वो आर्टिकल का जो है ना वो टाइटल आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने जर्नल नेम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल जो जर्नल, वो जर्नल जहाँ से ये आर्टिकल जो है ना वो मैंने लिया है, दैट इज जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप लिख लें जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ओके जी। तो ये हमारे पास जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो आ जाएगा जर्नल नेम। फिर उसके बाद ये आर्टिकल किस ईयर में पब्लिश हुआ, फॉर एग्जांपल 2008 में पब्लिश हुआ है, तो आप ये यहाँ पे 2008 जो है ना वो टाइप कर दें। पेजेस आर्टिकल के फॉर एग्जाम्पल हैं 45 to 90, फॉर एग्जाम्पल तो 45 to 90 जो है ना वो आप यहाँ पे जो है ना वो लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर मजीद कुछ ऐड करना चाहते हैं तो लुक एट इट, यहाँ पे लिखा हुआ है शो ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स, तो इस पे आप क्लिक करें तो मजीद बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स आपके पास आ जाएंगी। अगर आप मंथ लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मंथ जो है वो मई का था जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, और मई की जो है ना वो 5
डेट थी। फिर इसी तरह से अगर आप पब्लिशर्स के बारे में बताना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। वॉल्यूम है फॉर एग्जाम्पल वी, हम 1 जो है ना वो कर लेते हैं, या वॉल्यूम 3 फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं कि थर्ड वॉल्यूम था। और फिर उसके बाद अगर उसका इशू आप लिखना चाहते हैं कि इशू वाज 4, तो ये 4 यहाँ पे आप जो है ना वो लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स जो है ना वो आ जाती हैं। जब आप ये सारी फील्ड्स फिल कर लेंगे तो उसके बाद आप ओके पे जो है ना वो क्लिक करेंगे। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो लुक एट इट, ये आपके पास जो है ना वो साइटेशन आ जाएगी रेफरेंस की, या रेफरेंस जो है ना वो मुकम्मल तौर पे बन के आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक नया सोर्स जो है ना वो ऐड करना चाहते हैं तो आप फिर रेफरेंसेस पे जाएं, इंसर्ट साइटेशन पे जाएं, ऐड न्यू सोर्स के ऊपर जाएं। उसी तरह से ऑथर का नाम जो है ना वो लिखें। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि अल ब्रॉन्स जो है वो एक राइटर का नाम है, और जो टाइटल है दैट इज डिटर्मिनर्स ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ये जो है ना वो कर देते हैं टाइप। तो ये हमारे पास टाइटल नेम आ गया, जर्नल नेम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं तो दैट इज UNCP, UNCP ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है ना वो जर्नल का नाम आ गया। ईयर अगर हम देखें कि 2005 जो है वो ईयर था जब ये पब्लिश हुआ, और पेजेस जो हैं वो 2265, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है ना वो पेजेस हैं। तो इसी तरह इसको किया तो जब ओके करेंगे तो ये हमारे पास देखिएगा दूसरा जो है ना वो सोर्स आ जाएगा, या दूसरा रेफरेंस आ जाएगा जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है स्टडी को अपने रिसर्च आर्टिकल के अंदर। अब अगर आप इसको एक पेज में जो है ना वो लेके आना चाहते हैं और प्रॉपर देखना चाहते हैं इसके ओवरऑल साइटेशन, तो उसके लिए हम ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो ये नीचे डिफरेंट आपके पास जो है ना वो मिल रहे होंगे आइकॉन्स। जैसे ये बिब्लियोग्राफी का जो है ना वो एक आपके पास आ जाता है फॉर्मेट, ये रेफरेंसेस का है, ये वर्क साइट्स का, क्योंकि हमने रेफरेंसेस का लेना है तो हम रेफरेंसेस पे जो है ना वो क्लिक करते हैं। तो जब रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो लुक एट इट, इसको मैं जो है ना वो खत्म कर देता हूँ, ये वाली चीजें जो है हमारे पास जो पहले हमने लिखा था। तो इसको अगर आप थोड़ा सा ये इसको आप सेट करेंगे तो लुक एट इट, ये आपके पास रेफरेंसेस का जो है ना वो पेज बन गया कि आपके रेफरेंसेस आ गए। अख्तर FN 2008 में 5 फैक्टर्स इफेक्टिव इंटरनेशनल मार्केटिंग जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट वॉल्यूम 434 और पेज नंबर 45-90। इसी तरह अगर आप DOI नंबर ऐड करना चाहते हैं तो बिब्लियोग्राफी में आप DOI नंबर भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। फिर दूसरा अल ब्रॉन्स का जो है ना वो आ गया। अब देखिए जब आप अपडेट करेंगे, मतलब जब आप लिखेंगे इसी तरह से न्यू ऐड करते चले जाएंगे और साथ साथ इसको अपडेट करते चले जाएंगे साइटेशंस को, तो ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके रेफरेंसेस जो है ना वो आते चले जाएंगे। तो ये था वो मेथड जिसकी मदद से हम रेफरेंसेस जो है ना वो ऐड कर सकते हैं अपने रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर। अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप जो है ना वो कमेंट्स में वो क्वेश्चन जो है ना वो लिखें, इसको मजीद जो है ना वो डिटेल के साथ मैं आपको जो है ना फिर बता दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।